गाइस, मैं महेश सचिन के साथ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SB प्लस धमाल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी इस वीडियो में हम कुछ नया धमाल करने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है गाइस। आज हम खोलने वाले हैं एक अद्भुत पुरानी बेहतरीन चीज, और इसको देख के और इसके अंदर की सेटिंग देख के आपको काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारा धमाल मजा मस्ती और एंटरटेनमेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं मेरे पापा ने लाया हुआ ये हमारा पैनासोनिक RM70 टेप रिकॉर्डर प्लस रेडियो। ये 90s के ज़माने का है, जब मैं 5-6 साल का था तो मेरे पापा ने इसे ख़रीदा था। अभी ये हम यूज़ नहीं करते, घर में काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अपन सब गाने और रेडियो सब अपने मोबाइल में सुनते हैं, तो इसकी कोई खास ज़रूरत अभी पड़ती नहीं है। तो ये बंद पड़ा है काफ़ी दिनों से मेरे घर पर, तो आज हम इसे खोल के देखने वाला है। तो चलिए आज अपन लोग इसे खोलेंगे और इसके अंदर के सारे राज बाहर निकालेंगे। खुल जा सिम सिम। रीस्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, मैंने इसको खोलने की कोशिश की है, ये स्क्रू ड्राइवर लाया है, लेकिन काफी दिनों से पड़ा होने की वजह से इसमें काफी गंज लग चुका है, तो इसके स्क्रू खुल नहीं रहे है। ट्राई कर रहा हूँ, खुल तो नहीं रहे। चलो अपन इसे डायरेक्ट खोल देते हैं अपने देसी अंदाज में, मतलब हम इसे डायरेक्टली थोड़ा सा क्रैक करके और इसे ओपन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो पार्ट खुल रहा है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जो टेप रिकॉर्डर है इसके पीछे पहले निप्पो की या एवरीडे की बड़ी साइज की बैटरी आती थी, तो वो इसमें इस जगह फिट होती थी। 4 बैटरीज लगती थी इसमें, तो बैटरी पे भी चलता था और इसमें सेटिंग भी थी कि ये बिजली पे भी चलता था। अभी इसमें दो चीजें थी, मतलब ये 2-in-1 था। 2-in-1 का मतलब इसमें टेप भी चलता था और रेडियो, तो रेडियो में सिग्नल पकड़ने के लिए इसमें एक कंपनी ने एक एंटीना दिया हुआ था जो काफी लंबा होता था, काफी मजा आता था। ये देखिए इतना बड़ा एंटीना इसका होता था। अभी नट तो नहीं खुल रहेगा, इसको मैं सीधा इसमें वार कर देता हूँ। देखिए, ये है इस टेप रिकॉर्डर के अंदर का नक्शा। ये है स्पीकर और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है इसमें फिट किए वाले, जिसकी मदद से ये टेप वगैरह घूमता था। ये इसका बेल्ट दिख रहा है मेरे को रबर का। ये स्टेशन है, मतलब ये जो रेडियो के स्टेशन है घुमाने के काम आता था, ये उसका थ्रेड है। तो मैं इसे खोल रहा हूँ, तभी तोड़ रहा हूँ मैं इसको। ये टूट गया है, ये साइड में निकल चुका है। दोस्तों देखिए, इसमें काफी सारे बटन्स, इंस्ट्रूमेंट्स और किट्स वगैरह है। ये इसका चक्का है, ऐसे घूमता है। यहाँ पे कैसेट प्ले होती थी। ये इसके बटन्स है जिसकी वजह से ये टेप रिकॉर्डर में इसको फंक्शन मोड दिया जाता था। इसमें अच्छे से घूमते थे ये। ये नहीं निकल रहा, इसको भी फोड़ना पड़ेगा शायद से। फोड़ देता हूँ। दोस्तों मैंने इसे थोड़ा सा फोड़ के खोल दिया है। अभी इसके अंदर देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। ये सर्किट दिख रहा है मुझे, इसमें बहुत सारे सॉकेट लगे वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे वाले हैं, और ये इसमें कैसेट प्लेयर है इसके। अपन खोल दिया है मैंने इसको, इसके पीछे साइड में देखते हैं। एक छोटी सी DC मोटर लगाई हुई है, इसकी मदद से कैसेट घूमती थी। ये मोटर की वजह से ये इंजन यहाँ से घूमता था और ये ऐसा कैसेट प्ले होता था, ऐसे घूमता था। देखिए गाइस, बहुत सारा छोटा सा मैकेनिज्म था पुराने ज़माने में एक गाने को बजाने के लिए, और ये वायरिंग वगैरह थी इसमें, इसको कमांड दिए जाते होंगे शायद से। छोटे छोटे सर्किट है कि करंट सप्लाई के लिए, यहाँ पे ये बड़ी वाली वायर थी,
इसमें से जो अपन मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था जो बड़े सेल इसमें से डाल के थे, तो यहाँ से करंट पास होते और यहाँ सप्लाई होता था। मैं ये बटन भी थे, सेक्टर बैंड FM, मतलब ये FM था, MW था, SW था, SW1 था। तो ये रेडियो के स्टेशंस थे, जैसे अपने स्टेशंस रहते हैं, तो चार टाइप के स्टेशंस थे। और ये स्लिप मोड था, मतलब रेडियो पूरा स्टॉप करना था, रेडियो मोड पे लेना था या टेप मोड पे लेना था, ये सब सेटिंग इसमें थी। वॉल्यूम दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें ये टेप प्लेयर में ऐसे बटन्स रहते थे बड़े बड़े अपने अंगूर के जैसे, और इसको दबाते थे तो इसमें से फंक्शन ऑपरेट होता था। इसमें कैसेट बजती थी, कैसेट घूमती थी। ये टेप का पिछला हिस्सा, अभी मैं इसको और फोड़ूंगा और दिखाऊंगा इसके अंदर के राज। इधर भी बटन था, ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए था। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इस टेप रिकॉर्डर को पूरी तरह से खोल दिया है, अच्छे से खोल दिया है। अभी के ज़माने के मुकाबले में इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते थे जिसकी वजह से म्यूज़िक वगैरह बजता था और रेडियो वगैरह चलता था। अभी ये सारा काम एक मोबाइल ने आसान कर दिया है, लेकिन एक गाने को बजाने के लिए पूरे पहले कंपनियाँ कितनी मेहनत देती थी, ये आपको इस टेप रिकॉर्डर के अंदर लगे हुए सामान से पता चल जाता होगा। तो ये मेरा मकसद था कि आज आपको पुराने रेडियो की अंदर की बारी दिखाना, थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है बॉस, प्लीज़ हमारे लाइक वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हो, प्लीज़ हमारे SB+ धमाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके मनोरंजन के लिए हम इस प्रकार नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने जो इस टेप रिकॉर्डर का पोस्टमार्टम कर दिया है, अभी क्या मालूम मेरे पापा मुझे क्या बोलेंगे और घर में क्या धमाल होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आपके मनोरंजन के लिए हमने ये टेप रिकॉर्डर को पूरा फोड़ डाला है। तो वीडियो में तो काफ़ी मजा आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बने रहिए हमारे चैनल SB+ धमाल के लिए। इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम आपके मनोरंजन के लिए लाते रहेंगे। तो गाइज, आई होप यू विल एंजॉय। थैंक यू।